वहीं टोंक जिले के उनियारा में मंगलवार को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने जिला मुख्यालय के मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उनियारा में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और वहीं पीएम मोदी की रैली को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इसी दौरान भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि समय बताएगा किसका मौरैया बोलेगा, पेपर लीक मामले में बड़े से बड़ा किरदार बचेगा नहीं, एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है। राठौड़ ने कहा कि जिन लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलकर पेपर बेचकर नौजवानों के अरमानों को तोड़कर धीरे धीरे सारे गिरफ्त में आएंगे, जनता के सामने असलियत आ जाएगी। टोंक से कजोट गुर्जर की रिपोर्ट। मोदी जी कल सुबह 9:25 पर हमारे आएंगे और 10:10 पर वो मंच पर आएंगे और उसके बाद वो लगभग 11:50 तक मंच पर विराजेंगे, भाषण करेंगे और उसके बाद प्रस्थान करेंगे। देखिए, पहली बार आपने देखा होगा ऐसे लोग बाग जो सब इंस्पेक्टर में पास होकर ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके चेहरे से नकाब खींचने का भजनलाल जी की सरकार ने किया। एसआईटी आगे बढ़ रही है, मोरिया किसका बोलेगा समय बताएगा, और कोई बचेगा नहीं बड़े से बड़ा किरदार। जिन लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के पेपर बेच करके जो नौजवानों के अरमानों को तोड़ा, धीरे धीरे सारे गिरफ्त में आएंगे और जनता के सामने असलियत आ जाएगी।